करा है माते। इतने दिनों से चल रहे उथल पुथल के पश्चात आज धरती लोक पर शांति का वातावरण बना हुआ है। पुत्री स्वाति की दिव्य कन्या का जन्म बिना किसी विघ्न के ही होकर रहेगा। अंत भला तो सब भला देव ऋषि। उचित कहा आपने माते, किंतु इस अंत को बहुत सारे मनुष्य कोस रहे होंगे, विशेषकर समीक्षा माते। कितना सरल कितना साधारण जीवन था उसका, किंतु देवी पौलमी ने उसे वशीभूत करके उसके अपरिपक्व व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त कर दिया माते। किंतु माते अब क्या होगा उसका? समीक्षा भीतर ही भीतर बहुत व्याकुल होगी, क्योंकि देवी पौलमी के दुष्प्रभाव के कारण वो प्रेम पर अपना अधिकार समझने लगी थी। उस प्रेम को ना पाने की स्थिति में कदाचित वो तड़प भी रही होगी, परंतु मात्र थोड़ी सी परिपक्वता के साथ यदि वो वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न करे तो वो संतुलन स्थापित कर देगी। समीक्षा के दुर्गुणों को विलुप्त करते हुए उसके सद्गुण प्रभावी हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का परिवर्तन सिंहासन सिंह में हुआ है। नारायण नारायण। हाँ सही है, घर का एक एक कोना सुंदर दिखना चाहिए। इस घर की एक एक ईंट हमारी बहू का स्वागत करती नजर आनी चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं जी। अरे सिंहासन भाई साहब, आप ना बिल्कुल फिक्र मत करो, स्वाति का स्वागत ना हम रानी की तरह करेंगे। रानी की तरह नहीं, रानी का ही स्वागत होगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिंहासन भाई साहब का ये भी रूप हो सकता है। स्वाति के लिए इनके मन में इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची हम तो कान तरस जाते हैं इनके प्यार भरे बोल सुनने के लिए। देख कितना अच्छा लग रहा है इनका हंसता हुआ प्यार भरा चेहरा देखकर। ये पता नहीं कहा है, इतने सालों से इतना अकड़ अकड़ के घूम रहे पर अब संतोषी माता की कृपा से सब ठीक हुईगा। हाँ तो इसके पहले कोई स्वाति जैसा दिव्यात्मा मिला ही नहीं जो हमारे अहंकार को शांत कर सके। मूर्ख थे हम, अपनी पुण्यात्मा बहू के महत्व को नहीं समझ सके। हम जब समझ में आ गया है तो जिंदगी सीधे ढंग से जिएंगे। हाँ लेकिन इसको खोने नहीं देंगे हम। स्वाति ना सच में जादूगरनी है। अरे हमारा मतलब है अच्छी वाली, उसने तो हमको भी अपना फैन बना लिया। सच में अपनी अच्छाई से ना सबका मन मोह लेती है। हाँ, बात तो है। बाबूजी अब आप हमारे और देवेश जी की शादी को भी मंजूरी दे दीजिए ना। बाबूजी अगर हर कोई सुधर सकता है तो हम भी सुधर ही जाएंगे। अम्मा कसम कह रहे हैं जितना हम बैल की तरह टेढ़े थे ना अब उतना ही गाय की तरह सीधे बनकर दिखाएंगे। अब हमको ये रिश्तों की कदर, शादी ब्याह, प्यार का मतलब हमको सब कुछ समझ आ गया है। अब हम जिएंगे तो रिंकी जी का नाम लेकर जिएंगे और मरेंगे तो इन्हीं का नाम लेकर मरेंगे। आपको हमारी बात का विश्वास तो हो रहा है ना बाबूजी? नहीं नहीं बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे स्वाति और अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। हाँ इंद्रित, अब से हमारे जीवन में दुख की कोई जगह नहीं होगी। हमारे पूरे परिवार पर, हम दोनों पर और हमारे इस बच्चे पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। हे माँ संतोषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से आज हम सही सलामत अपने घर वापस जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए कि सब भला, आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे। माँ पुत्री संतोषी, आपके भक्त की प्रसन्नता आपके मुखमंडल के तेज को बढ़ा रहा है, सचमुच अद्भुत है। आराध्य एवं भक्त का
आप दोनों के बीच का ये रिश्ता। अरे बस 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 चुक चुक जियो। नजर ना लगे तुम दोनों को। अरे नजर उतार देते हैं। ए, इलो, धरो, आटो हम बजाएंगे अब। ओए तो पंजाब क्यों पीछे रहेगा? हाँ हट खोते। अरे वाह बाबूजी, आप और चाचा जी तो सुपरस्टार निकले। अरे सुपरस्टार ससुर, हम लोगों के आगे पानी भरे हैं। अपने बाबूजी और चाचा को समझती का तुम? अरे अब इन लोगों को ऐसे ही धूप में खड़ा रखोगे कि अंदर भी लेके चलेंगे? चलो चलो चलो। अरे रुको 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 रुको, ये लो भाभी के मनपसंद रसगुल्ले, जूम इन कर लो भाभी। ये रसगुल्ले तुम्हारे बाबूजी ने खास तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। लो भाई तुम भी सबातिया के पसंद की मिठाई खाओ। चलो चलो अंदर चलो। आ नारायण नारायण, उत्तम अति उत्तम। माते ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा कि वही घर तथा ये वही लोग, सब कुछ कितना परिवर्तित हो गया है माते, विशेषकर इंद्रेश। इंद्रेश पौलमी द्वारा रचित माया जाल में अटका हुआ था। इंद्रेश की स्वाभाविक प्रवृत्ति असुरी नहीं है अपितु भक्ति भाव की है। मायावी शक्ति का समापन होते ही इंद्रेश पर से भी उसका प्रभाव समाप्त हो गया है और वो अपने मूल स्वरूप में पुनः परिवर्तित हो गया है। अच्छा हुआ स्वाति, जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मुझे जाने से पहले तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम कहीं नहीं जाओगी और कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ हम भूल चुके, तुम भी भूल जाओ। हाँ समी, स्वाति सही कह रही है कि मन में तुम्हारे लिए कोई भी गलत भावना नहीं और शायद सिचुएशन ही सही नहीं थी और हम भी रास्ता भटक गए थे। नो इंद्रेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है कि सारी गलती मेरी ही थी। मैंने जानबूझकर सब प्लान किया था। इनफैक्ट गलती नहीं,
मुझसे तो ब्लंडर हुआ था। मैंने बीच में आने की कोशिश की, वो भी तुम जैसे समर्पित संपत्ति के बीच। समर्पित संपत्ति नहीं, समर्पित दंपत्ति सैमी। फाइनली स्वाति, तुमने मुझे पूरा ठीक कर ही दिया। नहीं, रोना नहीं। हम अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आज से तुम हमारी बहन हो सैमी। थैंक यू स्वाति। चलो फिर दोनों बहनें इसी खुशी में मिलकर आज संतोषी माता की आरती करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। आई एम सो हैप्पी। बोलो संतोषी माता की जय। हे माँ संतोषी, हमारे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब हमें आपके आसपास होने का एहसास ना हुआ। आज तक हमने आपसे जो कुछ मांगा आपने सब कुछ हमें दिया है। इसी उम्मीद में कि आज भी आप हमें निराश नहीं करेंगे, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमें अपने दर्शन देके हमारा जीवन सार्थक कर दो माँ। अपने दर्शन दे दो माँ। हाँ माँ, अपने दर्शन देकर अपने चरणों में शीश नवाने का मौका दे माँ। दर्शन दे माँ। दर्शन दो माँ। दर्शन दो माँ।
दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दे दो माँ, दर्शन दो माँ, अपने भक्तों की पुकार सुनो माँ, अपने दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। माते कितना भावुक परिवेश है, हमारे नेत्र भी नम हो गए। माते इतनी गुरुता से आप क्या सोच रही, क्या आप अपनी परम भक्त पुत्री स्वाति को दर्शन देंगी? सिंहासन सिंह के परिवार में पूर्ण सकारात्मकता का वास हो चुका है। असुरी गुणों से पूर्ण व्यक्तियों में भी परिवर्तन के साथ शांति एवं संतोष का प्रवेश हो चुका है। अपने भटके हुए परिवार को सत्य के मार्ग पर लाते हुए इन्होंने पूर्ण संतोष की स्थापना करने का मनोरथ कुशलता पूर्वक सिद्ध किया है पुत्री संतोषी। इस दृश्य ने तो हमें भाव विभोर कर दिया है पुत्री संतोषी। एक पिता का अपनी पुत्री को परामर्श है, ऐसे अवसर पर सदैव अपने हृदय की बात सुननी चाहिए। हे दादाश्री, हे पिताश्री, हम आप दोनों की आज्ञा एवं भावना का सम्मान करते हैं। दर्शन दूंगा। माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। आपकी भक्त आपके पूर्ण दर्शन की अभिलाषी है माँ, कृपा करके अपने पूर्ण दर्शन दीजिए। हम आपके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाना चाहते हैं माँ, कृपा करके पूर्ण दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ, अपने इस भक्त की सब्र की और परीक्षा ना लें। आपके दर्शन पाने के लिए हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है माँ, अपने चरणों में शीश नवाने का दान दे माँ। अगर आपने हमें अपने दर्शन नहीं दिए तो हम मान लेंगे कि हमारी भक्ति में जरूर कोई कमी रह गई, लेकिन अगर हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी तो आज आपको हमें दर्शन देने होंगे माँ। कृपा करके दर्शन दीजिए माँ। हमारे तो जीवन का अर्थ ही आपकी भक्ति है माँ, पर शायद हमारी ही भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आप हमारी भक्ति से खुश नहीं है।
तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है स्वाति। तुम भक्तों में शिरोमणि हो, हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान सर्वोच्च है और अनंत काल तक सर्वोच्च रहेगा।